Hey guys, welcome back. मेरा नाम है दर्शक और हमारे YouTube चैनल दर्शक एडिट पे आपका स्वागत करता हूँ। आज मैं आप लोगों को फ्रेंड्स में ये बताने वाला हूँ कि अभी जो हमारे Instagram में अवतार आए हैं न्यू स्टाइल से, तो वो आप लोग कैसे क्रिएट कर सकते हो। अगर आपको नहीं पता है तो इस वीडियो में पूरी जानकारी आपको दी जाएगी, तो आप बिना स्किप किए ये वीडियो लास्ट तक देखना जरूर। ओके फ्रेंड्स, इसमें आपको सबसे पहले क्या करना होगा, आपके यहाँ से आपके अकाउंट में जाना होगा। अकाउंट में जाने के बाद आपको क्या करना होगा, ऊपर की साइड आपको देखो ये थ्री लाइन दिख रही है, उसके ऊपर टच करोगे। टच करने के बाद यहाँ से आपको सेटिंग में जाना होगा। ओके फ्रेंड्स, सेटिंग में जाने के बाद यहाँ से आपको सर्च बार में सर्च करना होगा। ओके, यहाँ पर मैं सर्च करता हूँ अवतार। ओके फ्रेंड्स, यहाँ मैंने सर्च में लगाया है अवतार, तो ये देखो लास्ट में आ गया है अवतार। इसके ऊपर आपको टच कर देना होगा। पहली बार आप जो इसमें अवतार एडिट करोगे तो कैसे करना होगा, आपको यहाँ पर जो ये देखो गेट स्टार्टेड आया है उसके ऊपर आपको टच कर देना है। गेट स्टार्टेड जैसे ही मैंने किया है तो कुछ इस प्रकार से उसका खुल के इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। यहाँ से आपको क्या साफ साफ यहाँ पर लिखा है, चॉइस ये स्किन टोन। ओके फ्रेंड्स, आपको यहाँ से आपके जैसे आपको स्किन टोन है, अगर आप जैसे भी रख सकते, आपको जैसा रखना है वैसे भी आप रख सकते हो। मैं यहाँ से ये वाला स्किन टोन टच कर दिया। ओके, मैंने ये रख दिया। इसके बाद आपको क्या करना होगा, सिंपल सा है, नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ से आपको जो जो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं मैं आपको एक एक साइड बता देता हूँ। यहाँ से आपको हेयर सारा हेयर स्टाइल देखने को मिलेगा। ओके फ्रेंड्स, आप जैसा आपका हेयर स्टाइल आप रख रहे हो वैसा आप रख सकते हो, आपको जैसा भी रखना है वैसा मैं आपको रख देना होगा। यहाँ से बहुत ज़्यादा है, कुछ गर्ल्स के लिए भी है, कुछ बॉयज़ के लिए भी है, आपको जो भी अच्छा लगता है वो आप रख सकते हो। ढेर सारा आपको यहाँ पर दी जाएगा। ओके फ्रेंड्स, ये देख लीजिए आपको यहाँ से आपको नीचे की साइड बहुत ही सारा देखने को मिलेगा। तो सिंपल सा है, इसमें आपको क्या करना होगा, आपको जैसा भी आपका हेयर स्टाइल अच्छा लगता है वो वाला हेयर स्टाइल आप रख सकते हो। मैं तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको बताने के लिए फास्ट करूँगा। ओके फ्रेंड्स, यहाँ से मैं ये देख लो ये वाला अवतार, यहाँ से मैं ये वाला रख देता हूँ। मैंने ये वाला स्किन टोन हमारा जो हेयर स्टाइल है वो रखा है। इसके बाद आपको क्या करना होगा, यहाँ पर हेयर स्टाइल के बाजू में जो कलर है उसके ऊपर टच करना होगा। जैसे ही हेयर कलर यहाँ पर आएगा उसके ऊपर आपको जैसा कलर रखना है वैसा रखते हो। ये देखो मैंने ये लगाया है, ये ब्राउन कलर हो गया, कुछ भी रख सकते हो। ये हमारा ऑरेंज कलर है, आपको जो भी पसंद है उसमें ढेर सारा कलर भी दिया हुआ है, आप अच्छे से आप बना सकते हो आपके आईडी पे। ओके, और अगर इस तरह का आपको जो कोई भी दिक्कत आ रही है इस वाले वीडियो तो आप मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मैं यहाँ से ये वाला सिंपल ही रख देता हूँ। इसके बाद आपको क्या करना होगा, यहाँ पर आपको ड्रेस कोड पे जाना होगा। यहाँ पर आउटफिट पे जाएंगे हम लोग, आउटफिट पे आपको जो भी अच्छा लगे वो रख सकते हो। बहुत ही अच्छे अच्छे आपको यहाँ पर आपको क्लोथ्स मिल जाएंगे। यहाँ से आपको जो भी अच्छा लगे, दोनों के लिए है, गर्ल्स के लिए भी है और बॉयज़ के लिए भी है। ये मैं तो अभी फ़िलहाल तो अभी मैं बॉयज़ के लिए बता रहा हूँ। अगर आप लोग जो कमेंट करोगे तो मैं आपको गर्ल्स के लिए भी आप कैसे आउटफिट और कौन सा अच्छा वाला आउटफिट है, कौन सा बेटर हेयर स्टाइल, वो आप मैं बता सकता हूँ। अगर कोई भी दिक्कत है तो हमारे इंस्टाग्राम पर आ जाना, वहाँ पर DM करोगे तो मैं जल्द से जल्द आपको रिप्लाई दूंगा। ओके फ्रेंड्स, यहाँ से ये देखो मैंने ये वाला आउटफिट रख लेता हूँ, ये मेरे को बहुत अच्छा लगता है इसलिए ये देखो मैंने ये वाला रख दिया है। इसके बाद आपको क्या करना होगा, आउटफिट के बाजू में जो है ऑप्शन इसके ऊपर जाएंगे बॉडी पे। यहाँ पर आपको बॉडी है वो आपको किस तरह से रखना है, ये जैसे कि मतलब कि ये जो हमारा माउथ है वो थोड़ा सा बड़ा, हमारा हार्ट छोटा, आपको जो भी पसंद है वो रख सकते हो। आप यहाँ से आपको जो भी पसंद है, मैं यहाँ से ये देखो दुबला पतला आप जैसे भी हो वैसे रख सकते हो, आपको जैसे पसंद आए। मैं ये वाला रख देता हूँ, ये देखो बहुत ही अच्छा है। यहाँ से इसके बाद बॉडी के बाद आपको जैसे बाजू वाला टाइप करोगे यहाँ से आपका आइस का शेप पसंद आएगा। आपको जैसे भी आपकी आइस है मतलब कि ऐसे यहाँ आपको ढेर सारा आपको देखने को मिलेगा। यहाँ से ये देखो मेरे को ये वाला बहुत ही पसंद है तो मैं ये वाला आइस रखूँगा यहाँ पर मेरा। इसके बाद आपको कलर में जाना होगा, कलर्स आइस। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पर आप कलर्स आइस में जाएंगे तो यहाँ से आपका हमारा जो लेंस है उसका कलर बदल जाएगा। ये देखो कुछ इस प्रकार से, ये देखो अच्छी तरह से बहुत ही अच्छा लगेगा। यहाँ पर आपको अच्छी तरह से बस एडिट कर देना है। ये देखो मैं ये वाला यहाँ से आइस रखूँगा। इसके बाद कलर पे जाएंगे, मेकअप पे। हमारा जो मेकअप है वो किस तरह से आप रखना चाहते हो, मतलब कि हमारा जो आइस का जो ऊपर के जो बाल होते हैं वो आप कैसे रखेंगे। यहाँ से ऐसे भी रख सकते हो, आपको जैसे अच्छे लगते हैं वैसे रख सकते हो। मैं यहाँ से ये वाला रखूँगा, नहीं ये तो बहुत ही अच्छा, ये वाला रखूँगा। ओके फ्रेंड्स, इतना हो गया। इसके बाद थोड़ा सा खिसकाओगे तो यहाँ से हमारा
ये जो हमारे आइस के ऊपर जो बाल होते हैं उसका भी है। तो यहाँ से आपको जैसा भी शेप आपको अच्छा लगे वो रख सकते हो। यहाँ पर बहुत ही सारा आइस है दिखने को मिलेगा आपको। मैं यहाँ से ये वाला रख देता हूँ। कुछ इस प्रकार से हो गया। इसके बाद आपको क्या करना होगा, आई बोन पे गए, इसके बाद उसका भी कलर सिलेक्ट कर सकते हो। आपको जैसा कलर चाहिए वैसा आप रख सकते हो। बहुत ही ढेर सारा यहाँ पर कलर मिलेगा। उसका कलर तो बेटर है आप ब्लैक ही रखें, ओके, ब्लैक या ब्राउन, वो बहुत ऐसा लगेगा। इसके बाद आपको यहाँ पर हमारा जो बाइंड होता है बिंदी वो वाला रख सकते हो। अगर आप जो लड़की हो तो बिंदी रख सकते हैं, लड़के कोई रखते हैं कोई नहीं रखते हैं, आपको जैसा अच्छा लगे। मैं यहाँ बिना बिंदी के ऊपर टच करूँगा और आगे बढ़ूँगा। और इस यहाँ से आपका नोज का शेप, मतलब कि हमारा जो नाक होता है उसका शेप यहाँ से आप रख सकते हो। आपका जैसे शेप का है वैसे आप नेक का शेप रख सकते हो। मैं यहाँ से ये जो हमारा पहले वाला है वही रख देता हूँ। इसके बाद आपको क्या करना होगा, फिर से नोज के पास जाएंगे, नोज पिचेस के। यहाँ से आपको जो कोई भी बिंदी लगानी है नाक पे, कोई भी अच्छा सा आपको जो भी अच्छा लगे वो रख सकते हो। मैं तो यहाँ फिलहाल पहले वाला ही रखूँगा। ओके फ्रेंड्स, इतना कर दिए। इसके बाद आपको यहाँ पर लिप पे जाएंगे, हमारा जो माउथ का लिप होता है उसके ऊपर जाएंगे। आपको जैसा अच्छा लगे, यहाँ तो बहुत ही ढेर सारा फनी भी दिया हो गया है, आपको जैसा अच्छा लगे वो रख सकते हो। मैं तो सिंपल ही रहने दूँगा। इसके बाद उसका जो हमारा लिपस्टिक होता है लिप कलर, वो आप वो भी रख सकते हो। अगर जो गर्ल्स हो गए तो आपको जो भी पसंद है वो कलर रख सकते हो। इतना ढेर सारा यहाँ पर आपको जो भी पसंद आए वो कलर दिए गए हैं। इसके बाद फिर से यहाँ पर जाएंगे फेस शेप पे, ओके। ये जो हमारा फेस शेप है वो बहुत ही बढ़िया दिया गया है। यहाँ पर आपको जैसे कि टाइप का आपका फेस है, जैसे कि राउंड शेप का कोई लुक का होता है, कोई का स्क्वेयर, आपको बहुत ढेर सारा यहाँ पर मिल जाएगा। जैसे आपने आगे जो एक बार गर्ल्स का सिलेक्ट किया है तो यहाँ पर आपको गर्ल्स ही गर्ल्स का शेप नज़र आएगा, जो भी आप रख सकते हो वैसे। इसके बाद जो मैं जाएंगे तो यहाँ पर फेस लाइन, मतलब कि फेस लाइन मतलब कि हमारा जो फेस का सामने का हिस्सा है वो कैसा दिखाई देगा। ये पहले वाला ही रखूँगा। इसके बाद आएगी हमारी ये जो फेशियल हेयर मतलब कि हमारा जो फेस के ऊपर दाढ़ी होती है वो वाला आप रख सकते हो। मैं यहाँ से आपको बहुत ही ढेर सारे मिलेंगे, आपको जैसा अच्छा लगे वैसे बहुत ही स्टाइल स्टार में यहाँ पर दे जाएंगे। आपको जैसा पसंद आए वैसा रख सकते हो। मैं तो यहाँ फिलहाल ये वाला जो हमारा छठे नंबर वाला है 6 नंबर पे वो वाला रखूँगा, वो वाला बेहतरीन है। इसके बाद सेम प्रोसेस है, इसका भी आप कलर रख सकते हो। आपको जैसा कलर पसंद आए वैसा रख सकते हो बिल्कुल। मैं तो यहाँ पर अभी तो ब्लैक ही रखेंगे, ब्राउन कलर से उसका वो अच्छा लगेगा। ओके फ्रेंड्स, इसके बाद यहाँ पर क्या है, ये जो हमारे इयर रिंग्स है, हम जो गर्ल्स होगी तो उसको इयर रिंग्स पहनेंगे, कोई लड़के भी पहनते हैं कोई लड़कियाँ भी। आपको जैसा इयर रिंग्स अच्छा लगे वैसा रख सकते हो। मैं यहाँ से आपको दिखाने के लिए ये वाला रख देता हूँ। इसके बाद उसका कलर पे जाएंगे, उसका कलर अभी तक अवेलेबल नहीं है। ओके फ्रेंड्स, इतने बाद इसके आपको क्या करना होगा, यहाँ पर हमारा जो एयर वेयर होता है मतलब कि चश्मे, जिसमें आपको जैसा अच्छा लगे वैसे रख सकते हो। बहुत ही सारा यहाँ पर दिए गए हैं, अलग अलग शेप में है, बहुत ही अच्छा काम है। अगर आपके पास ये वाला उतारवाया अभी तक नहीं आया तो आपका इंस्टाग्राम है वो आपको अपडेट करना पड़ेगा, था ज़रूर ही मिल जाएगा। मैं यहाँ से ये वाला शेप एडिट कर दिया है मैंने। इसके बाद इसका कलर भी आप रख सकते हो, हमारे एयर वेयर्स के कलर मतलब कि हमारे चश्मे के कुछ कलर, ये देखो कुछ इस प्रकार से हो गया है, ये देखो मैंने रख दिया है। इसके बाद फिर से यहाँ पर आगे आएंगे, आगे आने के बाद आपको क्या करना होगा, हेडवेयर, ओके फ्रेंड, मतलब कि कैप, हम हिंदी में बोलते हैं उसको टोपी। आपको जो भी अच्छा लगे यहाँ पर मैं रख सकते हो। मेरे को तो यही अच्छा लगता है तो मैं ये रखूँगा, आपको बताने के लिए मैं रख रहा हूँ, बाकी कुछ नहीं है। इसमें कलर है, आपको यहाँ से कलर आपका कोई भी सिलेक्ट करना है तो वो भी कर सकते हो। ओके फ्रेंड, इतना हो गया। तो ये देखो हमारा काम बिल्कुल ही ख़त्म हो गया है। ओके फ्रेंड्स, इतना कर दिया। और इतने करने के बाद आपको क्या करना होगा, ऊपर से आपको बस डन कर देना है। ऊपर से डन करोगे तो आपका जो ये है क्या बता रहा है कि सेव एंड चेंज एंड कंटिन्यू एडिट, तो आप यहां से सेव भी कर सकते हो। मैं यहां से फिलहाल सेव करूंगा, सेव एंड चेंज। ओके फ्रेंड्स, ये देखो कुछ इस प्रकार से हो गया और हमारा जो अवतार है वो भी अपडेट हो रहा है। ये देख लीजिए, आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन के सामने। यहाँ से आपको नेक्स्ट कर देना होगा। जैसे ही नेक्स्ट करोगे तो हमारा अवतार बनके तैयार हो गया है। अगर आपका अवतार बनके तैयार हो गया है वो आपको पता लगाना है तो आपको बस सिंपल से क्या करना है, यहाँ से अपनी अपने वाली स्टोरी में जाना होगा। स्टोरी में जाने के बाद आपको जो भी पसंद है वो वाला पिक लगा सकते हो। मेरे को तो ये देख लीजिए ये वाला पसंद है तो मैं तो यहाँ से ये वाला ही रखूँगा। ओके फ्रेंड्स, इतना हो गया। इसके बाद आपको क्या करना होगा, यहाँ से ये देख लीजिए
हम जो जाएंगे गिफ्ट वाला ऑप्शन में। ओके फ्रेंड्स, यहाँ जो गिफ्ट वाला ऑप्शन में जाना होगा, गिफ्ट वाला ऑप्शन में जाने के बाद ये देखो हमारा गिफ्ट के पास ही सेम अवतार का सैंपल आया है, वहाँ से आपको जो भी पसंद है वो अवतार रख सकते हो। हमने अभी जो अवतार एडिट किए हैं वो ही अवतार यहाँ पर आपको मिलेंगे। ये देखो आपके आपका फ्रेंड का बर्थडे हो, कोई भी हो, तो आप यहाँ पर हाय, हेलो, हैप्पी बर्थडे ऐसा कुछ भी लिख सकते हो। ये तो मैंने आपको बताने के लिए किया बताया है कि आप कैसे एडिट करोगे। ये देख लीजिए, मैं यहाँ से आपको ये वाला रख देता हूँ। ये देखो बहुत ही अच्छा है, यहाँ पर आपको अवतार मिलेगा तो इसको आईफोन के स्टाइल में आपको देखने को मिलेगा। बहुत ही अच्छा वाला ये अवतार है, आपको जो भी पसंद है वो रख सकते हो। ओके फ्रेंड्स, तो ये देखो हमारा वीडियो कंप्लीट हो गया है। अगर आपको इस वाले वीडियो में कोई भी दिक्कत आ रही है तो मेरे को प्लीज़ इंस्टाग्राम पे कॉन्टेक्ट कर लेना, मैं ये वहाँ से आपको जल्द से जल्द रिप्लाई दूंगा। अब मिलेंगे नया वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत।